A very warm welcome. Good afternoon to all of you. Am I audible to all? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सुन पा रहे हैं सब? ओके सचिन जी, मैंने आपके महात्मा गांधी वाले आंसर्स पढ़े. हेलो. यस सर. हाँ, और वो आपने खुद लिखे हैं क्या सब? और कौन लिखे? हाँ? Yes. और कौन लिखेगा का अर्थ यह होता है जिंदगी में हम सारे काम अपने खुद ही करते हैं. Yes, sir. अर्थ ये होता है कि पुस्तक से देखा, कि कहीं से पढ़ा, कि बस आप इतने बड़े कलाकार हैं कि आपने पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. सर, रेफरेंस ले सकते हैं और फिर प्रीवियस नॉलेज जो थी जितना समझ पाया हूं उसके अनुसार लिखें. बाकी जब आपने कहा था एनसीईआरटी पढ़ना, तब एनसीईआरटी पढ़ी थी तो उससे जो समझ विकसित हुई उसके द्वारा लिखें सर. क्रॉनिकल्स और फर्कल्स का जो एग्जांपल था ये उन्हीं ब्लॉग में ऑलरेडी मेंशन था, तो पहले से माइंड में था. ठीक है, तो हम उनकी विचारधारा को समझ सकते. ठीक है, वंडरफुल, दैट इज ऑन ट्रैक. आई रियली अप्रिशिएट दैट. कोमल, वीडियो ऑन करो और उसके बाद फिर हम जो है उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, जैसा कि आपने अपना दूसरा ऐसे भी तो दिया है. हाँ सर, वो भी दिया. बिल्कुल, मैं बात करता हूँ आपसे. उसमें कमेंट लिख देना सर. नहीं नहीं मैं बात कर लूंगा, कोई बात नहीं. ओके सर. तो आप ये बताइए कि जो हमने पिछली बार किया था 1919 का रिफॉर्म हमने कवर कर दिया था और अब हम गांधी जी पे आगे जा रहे हैं, क्योंकि आपके कुछ फोर्ड कहाँ किया था सर? हम तो और हमने क्या किया था 1998 नहीं किया था हमने, डायर की वाला. यस सर, डायर के इंट्रोड्यूस कर. यस सर, क्या था ना डायर की वाला, हमने मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड रिफॉर्म्स किए थे. हमने बताया था कि कैसे वो आ गई है. हमने बिल्कुल, मुझे याद है कि हमने बात की थी. क्या मैं, क्या मुझे आप देख पा, वो कर पा रहे हैं क्या? स्क्रीन शेयर हो रहा है? हेलो सर, अंडर प्रोसेस हो गया. हो गया स्क्रीन शेयर? यस सर. तो मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड रिफॉर्म्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं. मतलब ये अगर मैं एक ओवरव्यू की बात करूं तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर, ये सारे चार्टर ही हैं, ये इसको चार्टर एक्ट बोलते हैं. फिर उसके बाद 1813 इसका भी चार्टर एक्ट है. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर. क्या बात कर रहे हैं? यस सर. नहीं हो रही सर, दिखाई नहीं दे रहा. उसमें जो दिख रहे हो ना वो दिख रहा है. अब दिख रहा है? राइटिंग में कुछ नहीं दिख रहा सर. तो फिर वही स्क्रीन होता है. और स्क्रीन क्या होता है? व्हाइट कलर का बोर्ड आ गया ना, लिखना शुरू नहीं हुआ पर उस पे. नहीं, मैं तो लिख रहा हूँ. अब देखो, अब दिखा? यस सर, आ गया बोर्ड पे लिख. तो आपकी मित्र कहाँ है वो जो पेपर देने गई थी भाई, यूपी उसका, उत्तराखंड का? वहीं रह गई? हसीन वादियां सर, हो सकता मन लग गया. चलो जी, फिर 1833 का भी है, ये भी चार्टर है. फिर 1853 है. मतलब मैं आपको एक सिर्फ एक नाम बता रहा हूँ फिलहाल, तो इसमें क्या है हम कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको याद आना चाहिए. फिर 61 है, फिर 1892 है, फिर लेकिन जो चेंज आना शुरू होता है वो इन्हीं से आता है, 1892 से 1909, इससे 1919, और लास्ट में आ जाता है 1935. और सबसे अंत में जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है वो है 1940 से लेके 47 तक, मोस्ट क्रूशियल एरिया. क्योंकि इसमें ना इतना कुछ हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली भी और रेडिकली भी. ठीक है ना? ठीक है जी. तो इसमें आप लोगों ने पेपर देखा वैसे, वो जो आया है, या नहीं देखा अभी भी? अभी नहीं देखा हूँ सर. हाँ, नहीं देखा आपको देख. अरे उत्तराखंड का जो पीसीएस हुआ था. हाँ, अभी थोड़ी अपलोड हो जाएगा. अरे यार, कहाँ, कौन सी दुनिया में रहता है राजीव तू? आजकल तो अडल्ट वीडियो हो जाते हैं 5 सेकंड में अपलोड. ये तो पेपर है.
सर कल का है वो तो, मतलब। कल ही तो हुआ है सर। अरे भाई कल शाम को ही अपलोड हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ तुम पेपर देने वाले मुझसे भी स्मार्ट हो गए। तू कह रहा अभी कहाँ हुआ होगा, पेपर होने के 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर अंदर ढूंढने लगोगे पेपर तो मिल जाएगा। अभी भी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा फिर? अब तो पुराना हो गया इतनी देर में तो। मैं ही आपको एक बार बताता हूँ उसमें जो मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस हैं। आई वॉन्ट यू टू हैव अ लुक, एक सेकंड मुझे दीजिए आप, क्योंकि आप लोगों ने देखा नहीं है, अगर देखा होता तो बात और थी। जब तक आप मुझसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, कुलदीप जी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था हाँ बोलिए प्लीज। सर, ये ऐसे विचार आए पाकिस्तान के साथ सर, तुलना तो कर दी मतलब कंपैरिजन, पर क्या ये सही था इस तरह से करना? बात करूंगा, आप जो अपने आंसर की उसकी बात कर रहे हो? हाँ मैं करूंगा। आप देखो आ गया पहला क्वेश्चन ही, देखो मॉडर्न इंडिया का है। देखो दो क्वेश्चन में है। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। अरे स्क्रीन शेयर तो मैं कर ही रखी, लेकिन मैं कर देता हूँ। चल बिल्कुल सही बोल रहे, स्क्रीन शेयर ही कर देते हैं। जो ये है जी पेपर, देखो आपके सामने आ गया। आ गया जी पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जेम्स एंड्रयू रेम से है? दिख रहा है जी पहले क्वेश्चन में? क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? देखो यस सर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको ऑलरेडी मैं करा चुका हूं डायरेक्टली, ठीक है? ट्रीटी ऑफ सोगोली हम कर चुके हैं। इसका आंसर कौन बताएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का? है सचिन और राजीव? राजीव यस सर। बता क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी। सर सी डी है, डी 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 सर। वेरी गुड। अब जो पहला है जेम्स एंड्रयू रेम से, ये भी हमारे उसका पार्ट है। डलहौजी था कि लॉर्ड नॉर्थ था, लॉर्ड कैनिंग था कि लॉर्ड कर्जन था? तो ये असल में ऐसे क्वेश्चन तो पीसीएस में आ जाते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जो एग्जामिनेशन है, जो यूपीएससी है, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा। एसएससी का पेपर ज्यादा लग रहा है यूपीएससी का कम सर। अब क्या करें, यूपीएससी नहीं है ना, स्टेट पीसीएस है भाई, उत्तराखंड है। हरियाणा ने पूछा था सर, उन्होंने तो स्टेटमेंट दी थी सारी लगभग। हाँ हरियाणा पीसीएस भी हुआ था एचएस, उसमें कोई उससे तो, इससे स्टेटमेंट नहीं। तो, इससे तो उसका लेवल हाई था। अच्छा था सर, होना भी हाँ चाहिए। हाँ इससे हाई था वो तो, ठीक है। जेम्स एंड्रयू रेमसे तो लॉर्ड डलहौजी को बोलते हैं हम ऐसे, लॉर्ड डलहौजी। अच्छा हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवॉल्ट, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 भी। हम 3 तो खैर हमने अभी सेकंड पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं किया, 4th भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका पीसीएस स्पेसिफिक है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका उससे रिलेटेड है, चिपको मूवमेंट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज एंशियंट इंडिया, देन यू हैव अब जिसने मुझे पेपर भेजा है, आई होप ये है तो वैसे उत्तराखंड पीसी, उत्तराखंड के क्वेश्चन लग रहे हैं। केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट, बिनसर। सर क्वेश्चन नंबर 17 भी तो है। 17 क्या है? साप्ता है ना वो तो, साप्ता, SAPTA। मॉडर्न मतलब वो तो फिर यार IR का क्वेश्चन हो गया ना। मैं तो वो बोल रहा हूँ जो हम कर चुके हैं उसमें से क्या हो रहा है, हमें क्या पता एग्जाम क्या पूछेगा। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने जो किया क्या हम उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं जिससे एग्जामिनेशन आता है, या हम कोई गलती कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, बताना जरा राजीव। क्वेश्चन नंबर 34 ये मैंने पूछा भी था तुमसे क्लास में, और तुम में से कोई ना बता पाया था। बताओ क्वेश्चन नंबर 34। सर दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन में। बी है सर, बी हाँ बी
डी फॉर दिल्ली और बी फॉर बॉम्बे? बी फॉर बॉम्बे। हाँ बी फॉर बॉम्बे। तो पढ़िए जरा लिखा क्या है बी पे। कोंकण लिखा है, कोंकण तो गोवा वाला रीजन है सर। हाँ तो भाई राजीव है इसका नाम, राजीव। ये मालाबार होना चाहिए सर वैसे। मालाबार होना चाहिए। मैं गधे प्रसाद मालाबार केरला का है सर। कोरोमंडल है। कोरोमंडल है इसका आंसर। कोरोमंडल तो राइट साइड हो जाएगा सर। अरे तो तमिलनाडु कोस्ट यही है, द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज। दक्षिण पूछ रहा है वो। हैं सी कोस्ट। ओके सर, मैंने स्टेटमेंट ऊपर वाली पढ़ी दक्षिण। अच्छा दक्षिण गंगोत्री दी पढ़ लिया आपने, ऐसे नहीं ये नहीं चलेगा सचिन। अब देखो आगे ना, लाल बहादुर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबको पता है ये। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लेडी, ये बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 41। मेरे हिसाब से इसमें एक आंसर मुझे पता है और वही राइट होना चाहिए, मतलब मुझे पता नहीं है। मृदुला सिन्हा तो गोवा की थी, मेरे हिसाब से सी होगा इसका आंसर। मार्गरेट एल्वा। सी है सर, सी, मार्गरेट एल्वा। कैसे पता तेरे को? है सर। कैसे पता? सर लेडी गवर्नर है उत्तराखंड की सर। सर ये तो लेडीज के जी भाई। क्या कह रहे हैं सर? ये मार्गरेट एल्वा जी राजस्थान से भी लिंक्ड हैं शायद। मार्गरेट एल्वा के दो बेटे थे यार, मैं मिला भी हूं उनसे, नीरज एल्वा और एक और है, डाउन टू अर्थ मैगजीन जो चलाते हैं वो इसी के बेटे हैं। सर सीधे फैक्ट्स पूछ रखे इसमें तो सारे। तो भाई स्टेट लेवल पे तो इतना ही होता है, इसलिए कट ऑफ आई जाती है। स्टेट लेवल पे तो सीधा मारो टिक मारो खत्म, बात सोचना नहीं है। हु कॉइंड द टर्म ब्रिक्स इन 2001? देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर है ए। तो ढंग से तैयारी की जाए, स्टेट एग्जाम तो ऐसे निकल जाएगा। लेकिन इसको भी नहीं कर पाएंगे अब उत्तराखंड के बच्चे, तो इसके लिए भी तैयारी चाहिए। देखने में आसान लगता है लेकिन एक तैयारी चाहिए इसके लिए। बट सर इसके लिए अप्रोच अलग चाहिए, तैयारी की। अब इतने फैक्ट्स तो हम पढ़ते ही नहीं यूपीएससी में। नहीं हम पढ़ते हैं, हम सिर्फ फैक्ट नहीं पढ़ते लेकिन यूपीएससी में सारा कवर होता है यूपीएससी। अरे सारा कवर होता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, सारा कवर होता है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें से, थोड़ा बहुत 10-15 क्वेश्चन छोड़ के जो ना हो। देखो हरेरा क्वेश्चन नंबर 63, हरेरा फेस्टिवल सुना है किसी ने नाम? अरे हरेला फेस्टिवल नाम सुना है किसी ने भाई? नहीं सुना होगा, कोई बात है। गंगौर भी नहीं सुना होगा किसी ने, गंगौर जो अभी राजस्थान में चल रहा है। सुना है गंगौर तो सुना है। आपने तो सुन लिया कुलदीप जी, आप तो वहां के निवासी हो, बाकियों का क्या होगा? ऐसे पब्लिक सर्विस एग्जाम कैसे निकलेंगे? क्वेश्चन नंबर 71 देखो, बताओ जरा आंसर। नाबार्ड। वेरी गुड, बी, यस। अभी क्वेश्चन नंबर 74 कैसे पूछ लिया इन्होंने? ये डी सुब्बाराव रंगराजन, ये तो इसमें से तो कोई भी नहीं है। अभी पेपर है भी अभी का, पीछे का दे दिया। ये सर मेरे को ये बी का है क्या सर? यार मुझे जिसने भेजा है वो तो अभी बोल लगे भेजा है, 2000 लग भी रहा है उत्तराखंड का ही है, I don't know, we have to see। तभी तो हम वेट कर रहे थे, क्या नाम था उसका, खुशबू। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 60 देखो, क्वेश्चन नंबर 60 सेवा का अधिकार कहां से शुरू हुआ बताओ, बताओ। ये सब तो पढ़ने वाली चीजें हैं, ये आती हैं, सारी आती हैं ये, बताओ क्वेश्चन नंबर 60। कोमल डी, चीन में। चीन कैसे हो जाएगा भाई, बावड़ा है क्या है? असंभव, चीन कभी नहीं हो सकता। स्विट्जरलैंड, चीन तो हो ही नहीं सकता। तो आपको ऐसे सीखना है बेसिकली। थैलेसीमिया क्वेश्चन नंबर 87 देखो, सुना किसी ने थैलेसीमिया का नाम? ब्लड से रिलेटेड। ब्लड, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ो, ट्रिम्स, बताओ जल्दी बताओ।
ट्रिम्स दैट इज डी बी कैसे हो सकता है यार बी आपको ये सब आना चाहिए अभी से ही क्वेश्चन नंबर 90 भी आना चाहिए 90 इज अबाउट गैस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मैं तो ये मॉडर्न इंडिया ढूंढ रहा हूँ मिल जाए और क्वेश्चन दो चार ही शुरू में थे और तो दिख नहीं रहे यार 90 क्या कह रहे हैं Which of the set which set of the gases is the most important for greenhouse gas effect? क्या आंसर है आपका? कौन सा क्वेश्चन है सर? 90 नंबर। जी सर बी। बी कैसे हो जाएगा? मीथेन इथेन कुछ भी बोल दोगी? ए होना चाहिए। कौन सा होना? ए तो हो नहीं सकता है। ज्यादा कुछ। ए नहीं हो सकता। कैसे सर? ऐसा है ना वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का पर सर सर कह रहे थे कि इंक्लूड नहीं करा जाता क्या वाटर वेपर करते हैं पर लेकिन इसको नहीं इंक्लूड किया जाता तो वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में नहीं करते पर इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा वाटर वेपर का होता है सर से पूछना आंसर हम तो बोल नहीं रहे देखो अब साइंस आ गई है 1 नैनोमीटर बोलो क्वेश्चन नंबर 96 10^-9 वेरी गुड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 24 आवर कर दूं बिल्कुल टेफ्लॉन किसका नाम है ये सब यूपीएससी के क्वेश्चन है आते तो रेड डेटा बुक बोलो सर रेड डेटा बुक आईयूसीएन रोडोडेंड्रॉन ये रहा ओक रोडोडेंड्रॉन सब ट्रॉपिकल सब एल्पाइन होगा फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया तो ये सब कॉमन चीजें हैं मेरा ये कहने का मतलब है आपसे जिम कॉर्बेट होना चाहिए या फिर राजा जी दोनों में से एक है क्या जिम कॉर्बेट का नाम ही शायद राजा नंदा देवी तो सबसे पहला नहीं है मेरे जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में शायद इस वजह से जिम कॉर्बेट हो गए अभी तो उसका नाम बदलने की बात भी हो रही है जिम कॉर्बेट की बर्सरी एसएससी की पढ़ाई है यूपीएससी कहां है सर अरे यार स्टेट सर्विस का एग्जाम है ठीक है लेकिन फिर भी ये पता तो होना ही चाहिए मैं कब कह रहा हूँ जैसा वो गवर्नमेंट होती है वैसा पेपर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 118 न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बताओ कौन से स्टेट में बन रही है महाराष्ट्र महाराष्ट्र तो इम्पॉसिबल है तमिलनाडु है बट आई एम ये रियो ओलंपिक्स क्यों पूछ रहे हैं अभी ये पेपर पता नहीं क्या चीज जो पूछा आपने इम्पॉसिबल केरला यार तमिलनाडु है थेनी ये सर मेरे को लग रहा है प्रीवियस ईयर का पेपर वो है सर पहले का इसमें दीपा मलिक का भी पूछा उन्होंने पहले मॉडल लिखा था शॉर्टकट हो सकता है इससे पहले का आई डोंट नो मैं तो मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मुझे मिल जाए तभी तो कह रहा सर मैंने देखा था अभी अपलोड नहीं हुआ है नहीं यार अपलोड तो हो चुका होगा ऐसा कैसे हो सकता है नहीं होते डाल देते हैं कोई ना कोई कुछ ना कुछ डाल ही देता है पर ये है तो उत्तराखंड का ही है तो उत्तराखंड का सर लेकिन ये प्रीवियस ईयर का लग रहा है मेरे को आ गया चलो हमारे काम का तो आ गया क्वेश्चन नंबर 149 बोलो 1813 सी है सर हाँ सी क्वेश्चन नंबर 148 सर डुप्लेक्सी नहीं डुप्लेक्स नहीं वो लाली 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 सर लाली वेरी गुड लाली है और क्वेश्चन 147
ब्लू वाटर पॉलिसी सर, ये जो पहला था वो है ये अल्बेडा हो सकता सर, अल्बेडा अल्बर्ट कुर्क सर, बी बी हाँ अल्बुकर्क, हाँ पोर्तुगीज था सर ये, हाँ पोर्तुगीज, बिल्कुल ब्लू वाटर पॉलिसी पोर्तुगीज की थी। एंशिएंट इंडिया के भी कुछ क्वेश्चन हैं, चलो पेपर वो अगर इससे डिफरेंट भी है तो आ जाएगा, हम उसको भी एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पेपर से मतलब है। कोमल जी आपका वीडियो ऑन क्यों नहीं है? राजीव सर फोन की बैटरी लो है, तो पहले से चार्ज करके रखा कर, ठीक है सर, ये सब तमाशे नहीं चलेंगे। कोमल सर एक मिनट कर रही हूँ। तुम लोग मतलब कमाल करते हो यार, ट्रांसपेरेंसी कोई होती है चीज नहीं होती। तो मतलब पॉइंट ये सचिन जी, ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट नहीं पता होने चाहिए, इन फैक्ट के बेसिस पर ही आप एनालिसिस करोगे, आप समझे मेरी बात को। तो स्टार्टिंग में बताया सर फैक्ट से रिलेवेंट है, सिनेरियो पता होना चाहिए। हाँ अब कह रहे हो फैक्ट्स पढ़ लो, अरे फैक्ट्स पढ़ क्या लो, बिना फैक्ट के पढ़े आपको कैसे पता चलेगा, आप उसका एनालिसिस कैसे करोगे। गांधी जी पहली बार कहाँ गए ये पता नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए चंपारण पर, ये भी पता होना चाहिए किस डेट को गए और नहीं, क्या तारीख थी और कितना टाइम था। नहीं ये किसने बोला तेरे को, तो ये तो यही पूछ रहे सर डेट क्या है, डेट क्या है भाई, ये तो स्टेट सर्विस वाले, यूपीएससी कभी ऐसे नहीं करता, वो कभी नहीं करता। ओके सर, वो कभी नहीं करता वो, बल्कि आपको जो फैक्ट आपको आता है ना वो तो क्वेश्चन में ही दे देगा। हाँ इतना तो क्वेश्चन में बता देता। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है, तो वो तो मेरे को किसी ने बोल भेजा तो मैंने बोला चलो एक बार आपके साथ शेयर कर लेते हैं, पर ऐसा तो नहीं है राजीव की अपलोड नहीं होते, अपलोड तो हो जाते हैं एक एक दो दो घंटे में सारे पेपर आजकल, है क्या आजकल, तो जागरण जोश और ये सारी चीजें हैं यही लोग अपलोड कर देते हैं, ये भी नहीं छोड़ते इन चीजों को। तो सर करंट का नहीं होता सर, पीडीएफ में जल्दी करंट का जो पेपर होगा ना सर वो नहीं होगा इतनी जल्दी, क्यों ईयर के तो मिल जाएंगे आपको, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ राजीव जी बताइए क्यों नहीं होगा, कोई बात नहीं कल तक आपकी मित्र आ जाएगी, उसके बाद हम पूछ लेंगे उनसे कि भाई पेपर में क्या आया था बता दे। क्यों जी तो राजीव बैटरी चार्ज पे लगा ले, नहीं लगी, मैं कह रहा हूँ सर क्या पता गई, हाँ मैं कह रहा हूँ बीपीएस देने भी गई, मैं कह रहा हूँ बैटरी जब आपकी चार्ज पे नहीं लगी, कैमरा ऑन कीजिए, सर चार्ज नहीं लेके आए ना आज, तू का जंगल में बैठा है बे, बात करते हो साले ट्रेनिंग दे दो हैं, हो साले तुम मतलब घसियारे से भी बुरा हाल तुम सबका, कहाँ बैठा हुआ है तू जंगल में है, सर लाइब्रेरी में बैठा हूँ, तो मांग लेगी जैसे आसपास वाले से, लाइब्रेरी शेयरिंग इज केयरिंग, मैं और राहुल ही है ना सर, उसके बाद राहुल के पास है नहीं सी टाइप चार्जर, मैडम से ले आ जाके जा, मेरा नाम ले दियो जा, ठीक है सर लिया बड़ा पट, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये दो चीजें आज हम करने वाले हैं। तो पॉइंट ये है, जैसे अभी सचिन जी आपने ही बोला ना कि फैक्ट, अब फैक्ट क्या है, जैसे फैक्ट अब ये है कि यूपीएससी पूछेगा खिलाफत क्यों हुई, क्या खिलाफत क्यों हुई, हाँ स्टेट सर्विसेज क्या करेगा खिलाफत क्या है, ये फर्क आ जाता है, क्या टाइम पूछ लेगा ये आता है फर्क,
हाँ बस ईयर पूछ लेगा, लीडर का नाम पूछ देगा, बस इसके आगे जाएगा नहीं। क्योंकि देखिए जो एसडीएम होता है ना स्टेट सर्विसेज का, सर। 10-15 साल में आईएएस बनता है, वो ओके सर। प्रमोटेड होगा, वो भी किस्मत होगी तो। ठीक है हाँ। और नॉर्मल जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो 4 साल तक बस रहता है, 3 साल तक। मतलब आईएएस तो वो है ही ऑलरेडी, उसकी पोस्ट पे 2-3 साल रहता है वो आईएएस, उसके बाद एसडीएम से डीएम हो जाता है वो 7-8 साल में। और कई राज्यों में जैसे झारखंड राज्य है, उसमें तो 6 साल के अंदर आप डिप्टी डेवलपमेंट, हर राज्य में अलग अलग पोस्ट है, वहां तो आप डिप्टी डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाते हो, डीडीओ, जिला परिषद के अध्यक्ष भी हो जाते हो आप शुरू से ही। स्टेट सर्विसेज वाला तो 15-15 साल इस पोस्ट पे रहते हैं, 10-10 साल रहते हैं। जैसे डैनिप्स है, डैनिप सुना आपने, नो सर। दिल्ली एंड अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज, उसका एसीपी रहेगा 15 साल। आईपीएस जो है वो तब तक तो भाई साहब वो एसएसपी से भी आगे डीआईजी लेवल पे पहुंचने वाला हो जाएगा। मतलब कि 15 साल की सर्विस में आप डीआईजी तक पहुंच जाते हो, और स्टेट सर्विस में आप 30 में भी नहीं पहुंचोगे, प्रमोशन के रास्ते ही नहीं है, बात खत्म। जैसे अभी आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है पंजाब में, अच्छा जो स्टेट सर्विसेज वाले हैं उनको अभी नीचे करा जा रहा है थोड़ा सा। अकाली और कांग्रेस हमेशा स्टेट सर्विसेज को प्रमोट करते थे, 60-40 का रेशियो रहता था, समझे पार्टी क्यों करी सर ऐसे। यार। नहीं आई है उसको वर्क, उसके कोई लॉयल है नहीं, लॉयलिस्ट पहली बात तो, ओके स्टेट वाले उनके लॉयलिस्ट नहीं है। अब नई लॉयल, नया लॉयल ब्रांड तैयार करना है, ठीक है। ओके तो स्टेट तो ऑलरेडी हैं वो लोग जो थे जैसे हैं, वर्क कल्चर ऊपर से कुछ थोड़ा सा जिसे कहते हैं हम सुपरफिशियल कुछ चेंजेस भी दिखाने हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट चीफ्स हैं एसएसपी, वो उन्होंने आईपीएस कर दिए हैं, वरना होता क्या है जनरली पीपीएस होते हैं वो, बहुत सारे थोड़े बहुत आईपीएस, कम आईपीएस ज्यादा पीपीएस। लेकिन अब यूपीएस, अब ये क्या कर रहा है पंजाब, पंजाब ज्यादा आईपीएस को दे रहा है रादर देन पीपीएस। वर्क कल्चर में होता है, जैसे हरियाणा में आईएएस ही होते हैं, डीसी वगैरह पूरे, यस सर। एसडीएम भी, तो हरियाणा का वर्क कल्चर स्टाफ डिफरेंट है जी। क्या कह रहे हैं नहीं सर ठीक करो आप यही करो। ये पूछना था कि जैसे आई हेलो, सर, स्टेट पर डिपेंड करना किस तरह से उसको पॉलिसीज को रन करना है। बिल्कुल बिल्कुल स्टेट पे डिपेंड करता है, हर स्टेट का कल्चर अलग है, स्टेट का कल्चर भी अलग है, और थोड़ा बहुत जो वर्क स्ट्रक्चर भी अलग है सबका। जैसे अब हरियाणा में एसटी है ही नहीं, शेड्यूल ट्राइब, बात ही खत्म, कोई रूल ही नहीं है ऐसा कुछ ना, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरह कुछ पंगा है, वो भी बात खत्म। जैसा स्टेट वैसे ही पोस्ट, वैसे ऑफिसर्स। राजीव क्या बोल रहे हो, अरे क्या बोल रहे हो जल्दी बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर 25 की एज में या 26 की एज में मतलब करते हैं हम और कोई आईएएस बनता है तो उसको कैबिनेट तक जाने में कितना टाइम लगता है, या बन भी पाता है या नहीं बन पाता। सेक्रेटरी लेवल तक तो पहुंच ही जाएगा अगर वो टैलेंटेड है आज की डेट में तो। क्योंकि तो मोदी जी के आने के बाद से अब सिर्फ वो नहीं है, सिर्फ सर्विस का टेन्योर नहीं है, मेरिट भी मैटर करती है। और बहुत सारे लोग कोई सेक्रेटरी वगैरह से कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनना चाहते, उसके लिए अलग टाइप के रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत सारे अपने स्टेट्स में ही रहना चाहते हैं, बस अपने स्टेट में इतना कुछ है करने के लिए। अब स्टेट लेवल के ऊपर डायरेक्टर बनते हो, सेक्रेटरी बनते हो, वहीं उसी डिपार्टमेंट में आप आगे बढ़ते हो, आप एक शहर, एक पूरे राज्य में रहते हो, आप शहर में रहते हो, आपके लिंक बनते हैं, आपके कनेक्शंस बनते हैं, आपका एक पूरा ग्रुप होता है, आप चीजों को अच्छे से कर पाते हो। तो हर कोई सेंटर में नहीं जाना चाहता, इसीलिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक रूल भी लेके आई थी कि मैंडेटरी हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को कि इतने ऑफिसर भेजने ही है। स्टेट उसके अगेंस्ट है कि हम नहीं भेजेंगे ऐसे।
तो आपको कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है सचिन जी, और सॉरी राजीव जी। हाँ सर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बात मानना सीखना पड़ेगा लाइफ में। हेलो। मैंने कहा कुछ बोला नहीं आपने राजीव जी। राहुल अपना म्यूट कर लो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ मान लो सर। अच्छी बात है भाई, मान लेगा तो। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे उनसे जो हमें चाहिए था, कांग्रेस को जो चाहिए था उनसे वो मिला नहीं, तो दे आर नॉट हैप्पी विद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, पहली बात। दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो मिजरीज थी उसकी वो आने लगी निकल के। जैसे पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक में तो चलो ठीक है, राशन भी मिला है, प्लस सरकार ने जो है वर्क वेजेस वाला वर्क भी दिया, तो हमें इतना ज्यादा दिखता नहीं है कि व्हाट हैव बीन द एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वॉर में ऐसा नहीं हो पाता। तीसरा, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट है वो। अब वो रॉलेट एक्ट सचिन एग्जाम में आ जाएगा, कौन से साल में कौन से महीने में हुआ, इतना याद रहना। मार्च 1919, बस इतना याद रहना जरूरी है। फिर आया आपका जलियांवाला बाग मैसेकर आ गया, जो मैंने बताया था अभी 13 अप्रैल 1919। ले आया चार्जर भाई, तेरा आया नहीं चार्जर सचिन? ओ राजीव, आगे सर आगे। थैंक यू। आपने पहला पड़ाव पार कर लिया कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के रास्ते में। हाँ, आपको 2000 पड़ाव पार करने हैं, एक आपने आज पार कर लिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जी, उससे बड़ी मिजरी और लॉसेस आए हैं, इसीलिए माहौल डिफरेंट है। अब खिलाफत मूवमेंट का भी इशू आया, खिलाफत रॉन्ग्स। तो उसमें हम क्या कह रहे हैं, टर्की किसका एलाई है, जर्मनी का प्लस ऑस्ट्रिया का, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसके बाद व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गॉट ओवर, सुल्तान ऑफ टर्की वाज रिमूव्ड। उससे क्या होगा, एंगर, एंगर होगा उससे इस्लामिक वर्ल्ड में। नहीं, खलीफा को हटा दिया भाई, इसीलिए खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई, सो दैट पोजीशन ऑफ खलीफा इज रिस्टोर्ड। ठीक है, दूसरा, खलीफाज कंट्रोल मुस्लिम सीक्रेट प्लेसेस पे
होना चाहिए एंड खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरीज। ये तीन बातें उन्होंने बोली। अब इसके लिए क्या बना, बॉम्बे में 1919 में खिलाफत कमेटी, किसने बनाई, मुस्लिम मर्चेंट्स ने बनाई। क्यों हंस रहे हैं आप राजीव जी, हमसे भी शेयर कर लीजिए। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तेरे पीछे कौन बैठा हुआ है, कोमल? कोमल तो यहाँ नहीं, कोमल तो घर पे है। क्यों कोमल जी, आप तो घर पे हो ना आज, इसीलिए आपसे अपना सोते हुए आज तो खूब खारी होगी दबा के। राजीव जी आपकी मुस्कुराहट के पीछे क्या गम है? कुछ नहीं सर। तो फिर इतना खुश क्यों है तुम, क्यों इतना तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? वैसी बात। ओके, बात मत कीजिए, प्लीज फोकस कीजिए। तो आप देखिए, जब मुस्लिम मर्चेंट्स थे, बहुत सारे लीडर्स थे, तो जैसे मैंने कहा मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हसरत मोहानी और एम ए अंसारी। ठीक है जी, इन्होंने बनाई कमेटी, लेकिन व्हाट वर देयर एक्टिविटीज, मॉडरेट एक्टिविटीज, मॉडरेट एक्टिविटीज लाइक पिटिशंस, मीटिंग्स इन द फेवर ऑफ खलीफा। लेकिन कुछ जो लीडर्स थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द मॉडरेट अप्रोच। अब धीरे धीरे क्या बना, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919, मिलिटेंट मुस्लिम लीडरशिप आ गई रोल में। यानी पहले वाले मॉडरेट थे, अब ये वाले मिलिटेंट है बाय नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और लीडर्स कौन हो गए, हसरत मोहानी। अब इसमें गांधी जी जुड़ जाएंगे, पहले बनी खिलाफत कमेटी, अब बना ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, और उससे जुड़ गए आप के गांधी जी। तो गांधी जी जुड़े अप्रैल 1920 के आसपास, जब शौकत अली ने बोला कि ब्रिटिश को बोला कि अब हम एक जॉइंट हिंदू मुस्लिम मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, अगर ब्रिटिश ने हमें पैसिफाई नहीं किया
अगर खलीफा को उसकी मांगों को पूरा नहीं किया। और वो मूवमेंट किसकी गाइडेंस में होगी? वो मूवमेंट होगी गांधी जी के गाइडेंस में। तो इसीलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों के इकट्ठे मिलके बात होने लगी कि भाई वो करेंगे। गांधी जी को क्या बना दिया गया? गांधी जी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ठीक है जी। अब मुझे कौन बताएगा कि सबसे पहले जो कमेटी बनी वो कौन से साल में बनी? सर खिलाफत की? हाँ खिलाफत की। 1919 में बनेगी कमेटी। गांधी बना रहे जो? गांधी तो 20 में बन रही है, उससे पहले वाली। उससे पहले 1919 में बनी सर। एक इम्पोर्टेंट लीडर का नाम बताइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम छोड़ के। सर मोहम्मद था, अशोक अतली था, इन्होंने कांग्रेट लिखा था, और हसरत मोहानी आपने नाम बताया, और अबुल कलाम आवाज में भी एक चीज जुड़ेगी, उनका एक न्यूज़पेपर निकालेंगे वो अल हिजाज करके, में भी अल हिलाल। अल हिलाल सर, अल हिलाल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या होगा, जब गांधी जी को बना दिया तो गांधी जी भी शुरू में मॉडरेट अप्रोच रखेंगे। आज भी आप कॉरिडोर में हैं? थैंक यू सर। यस सर, आपने तो पूरा कॉरिडोर को ही यार आपने तो पढ़ाई आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया। कुछ तो करना ही पड़ेगा सर, फॉर अ चेंज। ओके, तो आपको कोई कुर्सी कुर्सी डाल के आप मना नहीं कर रहा? डरते हैं सर सब। हैं, करते हैं, डरते हैं सब। किससे? सचिन से? यस सर। क्या बात है, मिलिटेंट लीडरशिप। यस, अरे बाप रे, ठीक है भाई, कॉरिडोर खाली मेरे लिए। अच्छा अच्छा, जनता यानी आपसे डरती है? जनता? जनता नहीं सर, ऑफिसर्स मींस कि एम्प्लॉइज। और जब खुद बन जाओगे तब? तब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा सर। अच्छा, डरेंगे तब भी आपसे लोग या नहीं डरेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे सर। वाह, सब तो तेरे बिल्कुल सही है सारे के सारे, वेरी गुड, थैंक यू सर। तो गांधी जी क्या चाहते हैं? गांधी जी ने अपना एटीट्यूड टाइम के साथ टाइट कर दिया, थोड़ा सा हार्ड कर दिया। गांधी जी ने पहले मॉडरेट थे, फिर हार्ड होते गए। हाँ ठीक है, हम भी कुछ सोचेंगे। कब हार्ड हुआ गांधी जी का एटीट्यूड? जब वो ट्रीटी के टर्म्स आए, जो ट्रीटी की थी टर्की के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड ने, जब उसके टर्म्स को डिफाइन किया गया और जलियांवाला बाग के ऊपर हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट बोले कि इंग्लिश की कोई मिस्टेक नहीं है, और पंजाब में जब डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे तो उसके बाद गांधी जी ने अपने रुख को थोड़ा सा टाइट कर लिया, और ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ सेवरिस। SEVRES, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ जी, 1920 जून में, जून 1920 में क्या हुआ? सेंट्रल खिलाफत कमेटी की मुलाकात हुई। कहां मुलाकात हुई? इलाहाबाद में। और किसने अटेंड किया उसको बताओ, किसने अटेंड किया होगा? सेंट्रल खिलाफत कमेटी जो इलाहाबाद में मिल रही है राजीव, कौन अटेंड करेगा उसको? अली ब्रदर्स। वो तो मतलब हाँ, लोग अली बोलते जाओ, चलो अली ब्रदर्स। और सर गांधी भी होंगे वहां पे? सब कुछ तो गांधी ही है, वो तो होंगे ही होंगे। और वल्लभ भाई पटेल भी हो सकते हैं वहां, गुजरात से बिलोंग करते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीडर्स दोनों ही होंगे वहां पे। तो गांधी वहां पे डिक्लेयर क्या करेंगे? गांधी डिक्लेयर्ड हेयर। जिन्ना नहीं है, वेरी गुड पॉइंट। किसने बोला जिन्ना? मैंने बोला। हाँ तो जिन्ना नहीं है, ये सारे खेल में जिन्ना खुश नहीं है। जिन्ना बोल रहा है कि ये मुद्दा ही गलत है। जिन्ना इज नॉट हैप्पी विद द मुद्दा, इनफैक्ट
सर रीजन ये भी हो सकता है कि जिन्ना की जो पॉलिटिकल कंजर्वेटिव अप्रोच थी वो सामने आ रही थी, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम साथ आ रहे हैं तो कांग्रेस को पॉलिटिकली फायदा, जिन्ना को नहीं। तो जिन्ना अभी वो नहीं है भाई, जिन्ना अभी कॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ नहीं, जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, मॉडरेट है, प्रोग्रेसिव है। जिन्ना जिन्ना रेशनल है। ओके सर। हाँ, जिन्ना को अभी कांग्रेस, जिन्ना भी मुस्लिम लीग के पीछे भी नहीं भागता और वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, लेकिन ही इज नॉट हैप्पी विद गांधीयन आइडियाज। गांधी के उसको आइडिया अजीब से लगते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं। और वो सिंपल सा लीगल आदमी है, नेशनलिज्म की बात करता है और लॉजिक की बात करता है। वो इन सब चीजों में कम विश्वास कर रहा है फिलहाल, और पहले से भी हमें कोई ऐसे स्कोप देखने को मिलते हैं नहीं है। तो गांधी जी ने बोला कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम होगा, बॉयकॉट होगा। अब ये है क्वेश्चन, यूपीएससी पूछ सकती है आपसे कि क्या बोला गांधी जी ने। तो अगर आप उस प्रोग्राम को देखोगे कि नॉन कॉपरेशन का जो प्रोग्राम है वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, बॉयकॉट। किसका बॉयकॉट? गवर्नमेंट जॉब्स। फिर किसका बॉयकॉट? टाइटल्स। फिर किसका बॉयकॉट? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं ये गांधी जी सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ऐसा हो सकता है। ये बात कब हो रही है? जून में बात हो रही है। ये कहां हो रही है? इलाहाबाद में हो रही है। और उन्होंने कहा जब तक खिलाफत गलत प्लस पंजाब गलत प्लस एक साल में स्वराज, जबकि स्वराज डिफाइन नहीं है, जब वो ऐसा बोलेंगे कि एक साल में स्वराज दे दूंगा, पंजाब गलत और खिलाफत गलत जब तक सरकार ठीक नहीं करेगी, और या फिर अगर सरकार ठीक नहीं करती है, उस पर एक्शन नहीं लेती है, तो आई एम गोइंग टू लॉन्च ए मूवमेंट फ्रॉम 1st August 1920। एक अगस्त 1920 से मैं एक नए मूवमेंट का लॉन्च कर दूंगा। ठीक है जी। तो खिलाफत कमेटी ने सारे विचार मान लिए, गांधी जी को बोला आप लीड करो। गांधी जी ने लेटर लिखा वाइस रॉय को यानी गवर्नर जनरल को, और रिक्वेस्ट की कि वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द मिस रूल, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द बैड आइडियाज, एंड यदि आप नहीं मानते हो तो मैं जो हूं मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। कांग्रेस का इसमें रोल अतुलनीय था। क्यों था? कि कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी बॉडी है, इसीलिए गांधी जी ने एफर्ट किया कि कांग्रेस जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन को अडेप्ट कर ली। ओके, तिलक साहब जब गांधी जी ने सबसे बात करने शुरू की तो तिलक साहब इस बात के फेवर में नहीं थे कि कोई हिंदू मुस्लिम अलायंस बने रिलीजियस क्वेश्चन पे, और उन्होंने कहा कि दोनों पार्टीज को चाहिए कि अपने भेदभावों को भुलाकर देश के लिए वो एकजुट हो जाएं। लाल लाजपत राय और सी आर दास वो भी अगेंस्ट थे, यानी कोई भी गांधी जी के साथ नहीं है, गांधी जी का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रखा गया प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज के सामने तो वो आइडिया जो है स्वीकार हो गया नॉन कॉपरेशन का, लेकिन आइडिया जो काउंसिल का बॉयकॉट करने का था ठीक है जी,
जो काउंसिल के जो जो आइडिया था बॉयकॉट करने का, वो भी जो है नहीं माना गया एक तरीके से, लेकिन नॉन कॉपरेशन का प्रिंसिपल मान लिया और बॉयकॉट करने का नहीं माना गया। तो यानी कि गांधी जी जो एक नया आइडिया लेके आ रहे हैं, गांधी जी जो एक नई चीजें ला रहे हैं जैसे मोदी जी लेके आते हैं, तो जल्दी सी वो चीजें स्वीकार नहीं की जाएंगी। सबने बोला था डिमोनेटाइजेशन होगा, मोदी जी हार जाएंगे। सबने बोला था पैंडेमिक होगा, मोदी जी जरूर हारेंगे। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब है लोगों के पास नब्ज है। इसीलिए 1 अगस्त 1920 को मूवमेंट फॉर्मली लॉन्च हो गई। अनफॉर्चुनेटली इसी दिन तिलक साहब भी नहीं रहे, तो लोगों का दुख और लोगों का जुनून दोनों चीजें मिक्स हो गई, और दोनों चीजों ने मिक्स होकर जो है मूवमेंट की तरफ एक रास्ता बनाया। ठीक है जी। बोलो 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 कोमल, राजीव। यस सर। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं कि शुरू में सब मना कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज अगेंस्ट। बोलो अब तक जो मैंने बोला उसको रिवाइज करो कुलदीप। सब पूरा ऐसे ही बोल दो, जो भी आपको एक समरी देनी है दो दो मिनट, एक दो चार लाइन की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब एक्सिस पावर हार गए तो ब्रिटिशर्स ने क्या काम किया कि जो ऑटोमन एम्पायर है उसने खलीफा को हटा दिया, खलीफा की पोस्ट को जो पावर है उसको डिक्रीज कर दिया उन्होंने। तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि जो इंडियन जो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उसमें एक तरह से आक्रोश पैदा हो गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे बॉम्बे में, उन्होंने एक खिलाफत कमेटी नाम से कमेटी बना ली जो कि अपोज कर रही थी जो ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर और खलीफा के साथ जो किया उसको। थैंक यू, आप यहीं रुक जाओ। चलो भाई कोमल इससे आगे बोलो। कोमल कोमल जी चलो छोड़ो, राजीव जी आप बोलो। सर खिलाफत कमेटी बनने के बाद फिर गांधी जितना बोला उससे आगे जाना है। फिर गांधी जी ने मूवमेंट चलाई बॉयकॉट करने के लिए, तो जिसमें उनका कुछ लोगों ने साथ भी नहीं दिया, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मतलब बेबुनियाद है ये, इसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। मतलब जो भी है जैसे नेशनल सारी चीजें कि ऐसी भी कोई भी, तिलक जी ने कहा कि ऐसी कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए जो धर्मों को अलग अलग करे, सभी धर्मों को एक साथ होकर, कोई रैशनल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, सभी धर्मों को एक साथ एकजुट होकर इन सब चीजों का सामना करना चाहिए। लेकिन जब बाद में फिर गांधी जी ने वो किया अपना आवेदन दिया, उसमें वो स्वीकार किया गया, लेकिन एक जो बॉयकॉट मूवमेंट थी उसको, जो गवर्नमेंट की जो आपका वो था उसको अप्लाई, उसको स्वीकार नहीं किया गया उनका जो बॉयकॉट की वो थे। ओके, तो अगर मैं कहूं कि शुरू में जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया उस समय एक बहुत बड़े ग्रेट लीडर नहीं रहे। हां, बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे, तो इसीलिए वेरी गुड, तो इसीलिए उनके नाम पे एक कैंपेन भी चलाया गया ताकि फंड इकट्ठे किए जा सके। उसके बाद कुछ नहीं रहेगा इसमें, बस एक बार नजर मारनी है, बस थोड़े फैक्ट एक दो और इकट्ठे कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट कौन होंगे स्पेशल सेशन के? लाला लाजपत राय। सचिन जी। यस सर। पहली महिला अध्यक्ष
कांग्रेस की एनी बेसेंट थी फर्स्ट महिला अध्यक्ष और भारतीय पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। हाँ अभी वो बनेंगे भी थोड़े टाइम में। और पहला पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। आई लाइक द स्पीड। तो ऐसे आना चाहिए। अब उसके बाद अब सचिन को तुम दारू भी पिला दोगे ना 2 लीटर तब भी वो बदरुद्दीन तैयब ही बोलेगा। और दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही फर्क है आम आदमी में और तरीके से काम करने में। अब प्रॉब्लम लेकिन क्या है ना, फिर भी आदमी वही पढ़ता है। मतलब बदरुद्दीन तैयब भी पता है, एनी बेसेंट भी पता है, घूम फिर के, लेकिन वो उसी को पढ़ता रहता है। तो फिर कहता है सिविल से नहीं निकल रहा यार, पढ़ तो हमने सारा। क्वेश्चन थे पर मेरे इसको लेके। हाँ क्वेश्चन थे मेरे इसको लेके। हाँ बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका सर। ये जो टर्की में खलीफा का पद अबोलिश किया था इनके हार के बाद, तो वहाँ पे बात थी, उनकी मांग थी कि जो ओटमन एम्पायर है उसमें सीरिया अरब और जो ये फिलिस्तीन है देश है, उनमें जो उनके इस्लामी पवित्र स्थान है उनकी और खलीफा के पद को ना हटाया जाए। बिल्कुल। अब गांधी जी उनके एक ऐसे आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या गांधी जी रिलीजियस बैकग्राउंड पे जाना उनके लिए ठीक था सर, रिलीजियस्टिक होना बजाय नेशनल आइडिया के? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला उत्तर ये है इसका कि पहली बात तो गांधी जी जिस समाज में और जिस समय में है वो दो चीजें जानते हैं, दो चीजें उन्हें अच्छे से पता है। एक कि भाई बिना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, जैसे राजीव को अच्छे से पता है कि बिना उसका राइट और लेफ्ट माइंड बन मिले पेपर ना निकले, तो बिना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तो नहीं हो सकता देश, देश में आजादी नहीं हो सकती। गांधी जी का ये बिलीफ था, साथ लेके चलना पड़ेगा पहली बात। दूसरा गांधी जी का बिलीफ था कि मुस्लिम इससे नेशनलिज्म में आएंगे, और अगर हम उनके अगर हमने उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर उनके लिए कुछ किया तो ही वाज श्योर कि यहां भी एक तरीके का सत्याग्रह का एलिमेंट लगा हुआ कि गांधी जी चाह रहे हैं कि चेंज इन हार्ट हो जाए मुस्लिम्स के, और इसीलिए वो जो है 2 स्टेप आगे जाने को भी तैयार है। इस एंगल से देखोगे तो लॉजिक समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा खाम खाम में ना बीन बजा रहे थे गांधी जी और नुकसान और करा दिए। ओके सर। एक ये... क्योंकि रिलीजन इन पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए रिलीजन इन पॉलिटिक्स। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि भाई बोलो बोलो। मतलब आप यही कह रहे हो गांधी चाहे कि जो माइनॉरिटीज हैं वो भी नेशनलिज्म की मेनस्ट्रीम के साथ जुड़ सके, इसलिए उन्होंने इस तरह के स्टेप्स लिए। हाँ मतलब देश से जुड़ सके और दोनों मिलके फिर हमारी जो दुश्मन है उस टाइम हमारा गोल क्या, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है हमारा गोल। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस सिर्फ पॉलिटिकल मैच्योरिटी से आ सकता है, और पॉलिटिकल मैच्योरिटी और पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए तो सारी कम्युनिटीज को जुड़ना बहुत जरूरी है। सर एक क्वेश्चन ही और है, अभी हम इसे नॉन कॉर्पोरेशन क्यों कह रहे हैं, हम इसे स्वदेशी 2.0 क्यों नहीं कह रहे सर? क्योंकि बायकॉट ही वहां कर रहे हैं, बायकॉट ही यहां पे आएंगे, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, रुक जा पहले। वेरी गुड क्वेश्चन। ये सब पूछ के इतना करके ना हर सब्जेक्ट में अगर आपने अप्रोच रखी तो स्टेट लेवल के पेपर तक तो मर पढ़ के पहुंच ही जाएगा। पॉजिटिव बात बोल रहा हूं, लेकिन अगर इसी को उठाया ऊपर और एक सिस्टम बनाया, ठीक है, और आपको पता हो कि कितने समय में क्या करना है कैसे करना है, तो 2 साल में आईएएस क्लियर। सही बता रहा हूं मैं, 6 महीने में तो किसी का कुछ नहीं होता, ठीक है। ये वैसे ही है, एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे वेट लॉस, 2 लाख तरीके हैं वेट लॉस के, ठीक है कि नहीं है? सबसे नेचुरल तरीका क्या है, सबसे नेचुरल तरीका क्या है बताओ? जॉगिंग करना स्टार्ट कर दे, फूड को लेके
थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, थोड़ा नहीं आप, हाँ बिल्कुल, एक्सरसाइज चालू, ढंग से एक्सरसाइज चालू, फास्ट फूड बंद, बाहर का बंद, उल्टा सीधा बंद पड़ेगा उसे, हैं कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी रूटीन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब उससे होगा क्या, ये नहीं होता इसी, अगर ये जो आपने बात बोली तीन लाइनों में, तो सचिन को जो पूरा जिम यानी जो पूरा न्यूट्रिशन का जो माफिया है वो सचिन को यहीं से अभी किडनैप कर लेगा, क्योंकि ये पता सबको है, सारी दुनिया को पता है ये, लेकिन ये ऐसे फॉलो नहीं हो पाता। लोग लाखों लाखों रुपया लगा देते हैं हेल्थ के ऊपर, तो इसीलिए ना एग्जामिनेशन एक तपस्या है, थोड़ा प्रोसेस है, एग्जामिनेशन इज ए प्रोसेस, इट इज नॉट फैक्ट। क्या आपका बिहेवियर है, कैसे आप बात करते हो, कैसे आप बोलते हो, क्या आपको गुस्सा कब आता है, कितना आप सुन सकते हो, क्या आपको लॉजिकल लगता है, क्या अपनी बात आप रखते हो, तर्क कौन सुने आपको, इतना आप कौन, ये है ये एग्जाम। तो गांधी जी यही कर रहे हैं, गांधी जी जब स्पेशल सेशन होगा कलकत्ता का सितंबर में, तब कांग्रेस जो है नॉन कोऑपरेशन को मान लेगी, जितना अपोजिशन हो रहा था वो सारा चला जाएगा, सारा मेजोरिटी से हो जाएगा। अब जो गांधी जी को यहां पास हुआ सेशन में, सुन लो सचिन, राजीव, कोमल, कुलदीप, जो यहाँ पास हुआ किसकी मदद से हुआ, वो हुआ मुस्लिम्स की वजह से। सर मुस्लिम लीग भी सपोर्ट कर रही है इसमें, प्लस मर्च हाँ कर रही है बिल्कुल 100%। अरे भाई महात्मा गांधी को कहते थे, हिंदू कहते थे महात्मा गांधी को, इस टाइम पे हिंदू ने कहना शुरू कर दिया ये हिंदू नहीं है, ये तो मुसलमान हो गया है। और मुसलमान मुसलमान मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली को कहते थे कि वो हिंदू हो गए हैं, मुसलमान नहीं है वो। एक समय ऐसा भी आ गया था कि मुसलमान नहीं है वो, तो हिंदू हो गए हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव जी को कहते ना मौलाना मौलाना मुलायम। तो देखो मैं तो अब इसका आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, और एग्जामिनेशन में इसकी जाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन सोशल हार्मनी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस का। बिना सोशल हार्मनी के आप बहुत डाइवर्सिटी नहीं, आप डाइवर्सिटी, आप डाइवर्सिटी को आप फिर प्रमोट नहीं कर सकते। सोशल हार्मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या हुआ जी, गांधी जी के सपोर्टर भी थे, अब गांधी जी के सपोर्टर भी थे, जैसे अब आपके सितंबर में जो पास तो हो गया जी, वो मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, ये सारे सपोर्टर थे। और अपोजिशन में कौन है गांधी जी के, एनी बेसेंट। मदन मोहन मालवीय और सी आर दास, ये क्या है, अपोजिशन में। अब इन्होंने बोला बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, बॉयकॉट्स ऑफ स्कूल्स, बॉयकॉट्स ऑफ कोर्ट्स, बॉयकॉट्स ऑफ काउंसिल्स, ये हो गया बॉयकॉट एक प्रोग्राम। अभी हम पढ़ेंगे क्या हुआ। इसी बीच में क्या हुआ जी, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा महीना बताया मैंने राजीव, मैं भूल गया, सेशन कौन से महीने में हुआ है, सितंबर तक पहुंच गए सर। अबे रुक जा रहा, तू क्यों बोल रहा है, हद हो गई, आशा सितंबर तक पहुंच, उन्होंने हमारे बादशाह को जगा दिया, छोटा बादशाह है ये, समझा, असली बादशाह को तो डिप्रेशन, एंजाइटी और पता नहीं कौन कौन सी वो रखी है, ये हमारे वाला बादशाह है ये। तो भाई कलकत्ता का जो प्रोग्राम था बॉयकॉट का है, और ऊपर से हुआ, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, नवंबर 1920 के आसपास, देख लो एक ही साल में कितना कुछ हो रहा है, जून से लेकर नवंबर तक कितना कुछ हो गया। नवंबर 1920 के आसपास इलेक्शन हुए, और भाई बॉयकॉट कर रखा था, और इलेक्शन सारे कांग्रेस कैंडिडेट ने छोड़ दिए, और वोटर भी दूर रहे, इससे गांधी जी को पता चला कि लोग सुनने लगे हैं भाई। इसी बीच में जब कांग्रेस का नॉर्मल सेशन हुआ दिसंबर 1920 में, नागपुर सेशन, हैं राजीव कौन से राज्य में है नागपुर, हद होगी, देख ले भाई, देख लो तुम सब लोग,
फिर कहोगे कि सर तो बता रहा हूँ थोड़ा एक मिनट क्या कह रहे हैं साउथ में है नागपुर साउथ में कहाँ है यार लद्दाख के ऊपर है तू कहाँ है यार इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे करगिल के साइड में नहीं है ज्योग्राफी का इतना नहीं बता रहा हाँ कोई बात नहीं कोमल स्कूल तो गए ना होगे तुम कभी राजीव ना कोमल अरे कोमल कोमल कहाँ है नागपुर महाराष्ट्र में है शायद वेरी गुड शायद से नहीं सर मतलब है तुम जैसे लोग ही हो मोदी जी की शान परीक्षा पे चर्चा एग्जाम को कभी एग्जाम की तरह मत लेना उत्सव है उत्सव बहुत बड़ा उत्सव है खाए जाओ पिए जाओ मौज लो कोमल भी उत्सव मना रही है मामा मामी के घर पे कभी लड्डू कभी पकवान कभी कुछ और फिर कहते हैं हमारा ये क्या बोल रही हो डेली डेली थोड़ा ना होता है तो डेली खाना नहीं खाती तुम नहीं सर एक ही दिन तो देने आई थी सर मामी आप रोज रोज फोन देते हो मैं तो प्यार अच्छा मामी यानी मामी तमाशा करती है तेरी अच्छा 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 नहीं सर तुम्हें कह रही हो एक ही दिन देने आई थी यार मैं सोच रहा था रोज प्यार मिलता है रोज खिलाती है रोज प्यार करती है तुम कह रही हो एक ही दिन किया था नहीं सर आप क्लास के बीच में कह रहे हो ना इसलिए मैं बोल नहीं तो वैसे कर रही है नहीं कर रही कर रहे हैं सर तो भाई तुम इनके लिए भी ले आया करो राजीव राजीव के लिए भी ले आया करो कुछ लाइब्रेरी में इन्हें भी मम्मी जी का प्यार मिले मॉर्निंग की क्लास भी ले लेंगे फिर हम क्या कह रहे क्या कह रहा है सचिन मॉर्निंग की क्लास भी ले लिया करेंगे सर फिर मॉर्निंग की कौन सी 7 से 10 सात से दस होती है अच्छा सोशियोलॉजी अबे तू तो हिस्ट्री ले रहा था सचिन हिस्ट्री है सर मेरी हाँ तो सोशियोलॉजी वो तो 8 से 10 हिस्ट्री तो तेरी ऐसे ही करा देंगे अभी देखता जा सोशियोलॉजी नहीं सर आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होगा मॉर्निंग बैच में अच्छा जी आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को सुबह 7 से 10 जरा पढ़ लो तो फिर हमसे बात करना पढ़ने के बाद तो जब दिसंबर सेशन होगा तो नॉन कॉपरेशन जो है रेजोल्यूशन ले लिया गया ठीक है जी और उसका पर्पस वही जैसे मैंने आपसे कहा कि नॉन वायलेंट जो है नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन था ये कांग्रेस ने एंडोर्स किया और वही 3 ट्रिपल जिसे हम कहते हैं ट्रिपल पर्पस मैंने बताया था 3 पर्पस कौन कौन से थे बता राजीव क्या बता रहा था तीन जो कारण थे जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो रही है जो मैंने बताए थे कुलदीप जी आप बताइए मुस्लिम्स के लिए था कि जो खलीफा है उनको रिस्ट्रिक्ट करना उनकी पावर नहीं हमने तीन चीजें बोली थी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो पर उसको 3 चीजों के फॉर्म में बताओ जल्दी सर उस टाइम में डिस्कनेक्टेड था जब आप वो बता रहे थे कौन बताएगा दीपिका सचिन तीन मैंने बताए थे ना एक था खिलाफत रॉन्ग यानी खिलाफत गलत एक था पंजाब गलत और एक था स्वराज 3 चीजें बताई थी ना मैंने 3 पर्पस है 1 ईयर में स्वराज भी बोला था सर इन्होंने हाँ 1 ईयर में स्वराज ये तीन बात तीन लिया अब इसमें होगा 2 बातें आप सुन लो एक होगा इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव एजेंडा यानी कंस्ट्रक्टिव नॉन कॉपरेशन और एक है आपका डिस्ट्रक्टिव नॉन कॉपरेशन ठीक है
डिस्ट्रक्टिव। अब सोचो तुम कंस्ट्रक्टिव में क्या क्या हो सकता है बताओ। बताओ जी, बताओ ना, क्या बताना सर? डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों में बताओ। कंस्ट्रक्टिव में क्या क्या हो सकता है सर? फंड्स रेज करने की बात करेंगे। वेरी गुड, कंस्ट्रक्टिव में एक बात तो तिलक स्वराज फंड आएगा। और बोलो, ये मास गैदरिंग और मतलब कि लोगों को, समूह को जोड़ने की बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा, किस तरह से लोगों तक विचार पहुंचाया जाए, क्या किया जाए, किस तरह से लोगों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए सर, उनको जागरूक किया जाए, क्या करेंगे उसके लिए बताओ। बताओ, बायकॉट करेंगे सर। अरे कंस्ट्रक्टिव भाई, कंस्ट्रक्टिव, बायकॉट तो डिस्ट्रक्टिव है ना, कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। हां, रैली ऑर्गेनाइज करेंगे उसके लिए। रैलीज ऑर्गेनाइज करेंगे, रैली कैसे कर देंगे जब सत्याग्रह चल रहा है? तो सत्याग्रह है ना, सत्याग्रह करेंगे, ये बोलो आप। सत्याग्रह में भी क्या करेंगे मैं पूछ रहा हूं। बताओ ना कंस्ट्रक्टिव में, जैसे एक ने बोला फंड रेज करेंगे, और क्या कर सकते हैं? सभाएं कर सकते हैं सर, छोटी छोटी, जैसे लोकल लीडर्स को देखे। वेरी गुड, वेरी गुड, कैंपेन्स करेंगे, कैंपेन्स करेंगे। और सर डिवीजन जो और बोलो, और का, वो ब्रिटिश स्टेट्स की सीमाओं में ना होके वो लैंग्वेजेस के आधार पे सभाएं ऑर्गेनाइज की जाएंगी, ताकि मेजोरिटी, यानी कि इंडियन लैंग्वेजेस का लिटरेचर प्रमोट करेंगे। और सर लिंग्विस्टिक, इंडियन लैंग्वेजेस का लिटरेचर प्रमोट करेंगे, और क्या करेंगे? और सर पेपर्स या न्यूज़ पेपर्स के जरिए अपने जो पर्चे बांटेंगे उनके जरिए अपना वो कर सकते हैं। क्या क्या, दोबारा बोल। पेपर्स और पर्चे जो बांटते हैं ना सर, उसमें अपनी बातें लिखकर। ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस हो गई ना, तो अब आप कह सकते हो इंडियन एजुकेशन प्रमोट करेंगे, इंडियन भाषा की एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, इंडियन इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे बहुत सारे, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ हैं, ये सब खुलेंगे, जैसे बंगाल में स्कूल खुलते थे ऐसे बहुत सारे स्कूल खुलेंगे। और क्या होगा जी कंस्ट्रक्टिव में बताओ। बताओ भाई सचिन, और क्या होगा, और क्या होगा बोलिए, और क्या होगा बोलिए। इंडिजिनस गुड को प्रमोट किया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, स्वदेशी गुड्स के लिए प्रमोशन होगा जी, बिल्कुल सही बात है। इंडिजिनस गुड्स को तरह तरह के इंडिजिनस गुड्स के एग्जांपल लिख सकते हो। और बोलो क्या करोगे, कल केजरीवाल भी कर रहा था, बोलो कोमल, कोमल रानी है? मैं ना बोलूंगा, मैं ना बोलूंगी, बोलो कोमल, बोल भी राजीव, अरे बोलो सचिन, कुलदीप, बोलना, और क्या होगा? गांधी जी का फेवरेट क्या है? अहिंसा आंदोलन है, चरखा चलाना। क्या चलाना? चरखे के प्रतीक के माध्यम से लोगों को, हाँ तो चरखा चलाया रहे, फिर चरखा चलाया जाएगा, खादी के कपड़े बनाए जाएंगे, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट में आ गया ना ये तो, ये क्यों आ गया, ये सारा का सारा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, ये विलेजेस के टूर किए जाएंगे। ये चीज तो भाई मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, स्वदेशी 2.0 क्यों नहीं है, नॉन कॉर्पोरेशन क्यों, सर अभी बाद में बताएंगे चीज। क्या चीज स्वदेशी, क्या बोल रहा है यार? अभी ये कह रहा था ना कि स्वदेशी के एलिमेंट, मैं इससे कह रहा था कि ये तो स्टार्टिंग से पूछ रहा हूँ मैं सर से कि स्वदेशी 2.0 क्यों नहीं है, नॉन कॉर्पोरेशन क्यों है,
तो इसे बता रहा था कि सर बाद में बताएंगे वो सब। अरे मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, बता रहा हूँ भाई। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें होगी कंस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में क्या होगा? अब डिस्ट्रक्टिव बताओ। हाँ, बॉयकॉट करो। किस किस का बॉयकॉट होगा? ब्रिटिश कपड़ों का, ब्रिटिश गुड्स का, काउंसिल का, स्कूल का, कॉलेजेस का, ये सब का क्या होगा? बॉयकॉट होगा। ये ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज, इन सब का बॉयकॉट कर रहे हो आप। ये हो गया डिस्ट्रक्टिव एजेंडा। इसकी वजह से क्या होगा? बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वकील, पटेल, सरदार पटेल, नेहरू, सी आर दास, पट्टाभि सीतारमैया, जितने बड़े बड़े लीडर्स और लॉयर थे, सबके सब अपनी प्रैक्टिस को छोड़कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कूद जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस भी ज्वाइन करेंगे, इवन सबको ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ओके। ये हो गया डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। अब उसके अलावा क्या करेगा? नया कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। यानी कि अब क्या बनेगी? एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनेगी, AICC, टॉप लेवल पे। उसके नीचे क्या बनेगी? वर्किंग कमेटी बनेगी। अभी भी यही स्ट्रक्चर है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वर्किंग कमेटी। तिलक ने बोला था 1916 में कि भाई ये बना लो, लेकिन तिलक की बात को मॉडरेट्स ने नकार दिया। अब कांग्रेस को गांधी जी के अंडर में बनाना पड़ेगा। ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, यही सारा काम देखती है। उसके बाद क्या बनेगी? PCC, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज, लिंग्विस्टिक लाइंस के ऊपर है। राजीव, कांग्रेस कौन सी भाषा का प्रयोग करेगी? राजीव, पानी में कुछ मिला तो नहीं रखा? दोनों 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 लैंग्वेज का यूज करेगी सर। दोनों मतलब अंग्रेजी और फ्रेंच? हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश में कौन बात करेगा बे? इंग्लिश में सर वही एजुकेटेड जो होंगे उनके लिए। हिंदी, हिंदी को प्रमोट करने की बात की जाएगी, अंग्रेजी को नहीं। हिंदी ठीक है आप बोल लो, लेकिन वैसे हिंदी ही एक, हिंदी अभी लैंग्वेज बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस की मेंबरशिप सबके लिए खुल गई 21 साल प्लस के लिए, और चार आने यानी 25 पैसा। सर जब वहां पे अगर हिंदी इतनी प्रमोट हो रही थी, और अगर आने वाले टाइम पे हिंदी उसमें आ गई थी, लोकप्रिय भाषा में आ गई थी इंडिया में। दोबारा बोलो राजीव, दोबारा बोलिए राजीव जी, दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर कि हिंदी अगर इतनी प्रमोट हो चुकी थी उस टाइम पर, और आने वाले टाइम पे अगर हिंदी इतनी लोकप्रिय भाषा बन गई थी इंडिया के अंदर, तो उनको जो मतलब फिर हिंदी को भी एक नेशनलाइज मतलब वो कर देना चाहिए था ना। तो कर तो दिया, राष्ट्रभाषा सर कहने के नाम पर है ना। नहीं, राष्ट्रभाषा हिंदी है, राजभाषा नहीं। तो कहने के नाम पर है ना ये भी सर। भारत के संविधान में जितनी भाषाएं हैं, सारी भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं। मैं सर इस उससे रिलेटेड कह रहा हूँ, जैसे चाइना है, चाइना सर वो अपनी भाषा में सब कुछ करता है, उसकी एजुकेशन भी चाइनीज में है। तो अब क्या करें? चाइना पे जिसने रूल किया उसने कोई और लैंग्वेज इम्पोज ही नहीं की, हम क्या करें? हम पे लैंग्वेज इम्पोज हो गई, हमें इस लैंग्वेज को सीखना पड़ा। अब अचानक से हम क्या कर दें? 200 साल तक हम अंग्रेजी का प्रयोग करते रहे हैं, तो अचानक से कैसे छोड़ दें? गलती अंग्रेजी, एक लोटा ये देश लगता है मेरे को जो है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ये आप गलत बोल रहे हो। श्रीलंका से ले सारी डेवलपिंग कंट्रीज का यही हाल है। श्रीलंका है, नेपाल है, उसके बाद आपका फिलीपींस है, उसके बाद आपका पूरा लैटिन अमेरिका है, मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, वहां पे स्पेनिश चलती है पूरी, उनकी स्पेनिश भाषा थोड़ी ना है। नेपाल में स्पेनिश चलती है सर। अरे मैक्सिको और लैटिन अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। नेपाल में सर, नेपाल में तो या तो नेपाली चलेगी या हिंदी या अंग्रेजी। हिंदी चलती नेपाल में सर है? हिंदी चलती है मोस्टली, वो नेपाली चलेगी। जैसे आपके यहाँ हिंदी बोली जाती है, वहां नेपाली बोली जाती है, लेकिन नौकरी अगर करनी है तो आपको अंग्रेजी या हिंदी आनी चाहिए। पर हिंदुस्तान में चीजें बदल रही हैं, ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी है, राजभाषा की बात अलग है। तो 25 पैसे यानी 4 आने। सर राष्ट्रभाषा हिंदी कहाँ सर? राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, राजभाषा ही कहते हैं सर हिंदी।
भाषा तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहते हो ना भाई, लेकिन जितनी भाषाएं शेड्यूल में, शेड्यूल 8 में दी गई हैं, वो सभी भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या, आप कहोगे कोई नहीं है, हैं? यस सर, कोई भी नहीं है। अच्छा जी, अजीब बात। आर्टिकल 343 क्या कहता सर? अरे आर्टिकल से नहीं होता राष्ट्र, राष्ट्र जो है ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है। आप राज की बात कर रहे हो, मैं राष्ट्र की, आप स्टेट की बात कर रहे हो, मैं नेशन की बात कर रहा हूँ। ओके सर, आप स्टेट की बात कर रहे हो, मैं नेशन की बात कर रहा हूँ। स्टेट जो सेम एज इट इज है ना सर, जैसे इंडिया का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। नहीं है हॉकी भाई, इंडिया कोई नेशनल गेम नहीं है। क्रिकेट को ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। अरे प्रेफर करते रहो, लेकिन हमारा नेशनल गेम कोई भी नहीं है, ठीक है हॉकी को, लेकिन फिर भी हम मानते हैं हॉकी। मेजर ध्यानचंद अवार्ड अभी रखा ना आपने, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के। बट सर स्पेसिफिक मेंशन नहीं कहीं भी। तो यार वो इसलिए नहीं है कि हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हम गजब लोग हैं। ओके सर, ओके। अब क्या करें उसमें, शरीर के एक अंग को काट के फेंक दें हैं? ओके सर। भाई राजीव ने, आप देखो अपने हाथ पे मान लो टैटू बनवा के 3 वर्ड लिख रखे हैं सपोज करो, अब बाकी शरीर के हिस्से की कोई कीमत नहीं जहां उसने टैटू नहीं बनवाया। देखो दिखा रहा है जनता को, पूरा छोटा बादशाह, ये देखो दूसरे हाथ पे भी देखो, हर हर महादेव। तो पॉइंट ये है जी, ये सारी चीजें होगी और साथ में कह दिया मैं 1 साल में स्वराज दे दूंगा, गांधी जी ने ये भी कह दिया साथ में। लोगों ने पूछा गांधी जी कैसे कैसे कैसे, बोला बाद में। बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ भी दी, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी, बिपिन चंद्र पाल ने छोड़ दी, एनी बेसेंट ने छोड़ दी, और उन्होंने बोला गांधी जी जो कर रहे हैं ना वो जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है सारे के सारे। तो आप जिन्ना के बारे में पूछ रहे थे, आप देख लो जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी था, ठीक है जी। तो यानी डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट हो गए, अब मुझे हाँ या ना बोलते जाओ। टाइटल सरेंडर होंगे? यस सर। हाँ क्या कह रहे हैं कुलदीप जी? सब होंगे। कुलदीप जी बोलिए क्या कह रहे हैं? सब होंगे टाइटल सरेंडर। हाँ बिल्कुल होंगे टाइटल। उसके बाद जो है आपका गवर्नमेंट ऑफिसेस को भी बोला कि भैया आप अटेंड मत करो, लेकिन रिफ्यूज करो अटेंड करने से। आपको अभी नौकरियां छोड़ने को नहीं बोला गया कि नौकरी छोड़ दो, क्योंकि नॉन कॉपरेशन है। मैं बताता हूँ, अभी गवर्नमेंट एडेड स्कूल छोड़ने की बात की गई। इलेक्शन को बायकॉट करने की बात की गई। यस सर, दे वर बायकॉट द इलेक्शन। फॉरेन गुड्स को बायकॉट करने की बात की गई। यस सर। उसके अलावा कंस्ट्रक्टिव में मैंने आपको बोला लोगों को सेल्फ सैक्रिफाइस करने को बोला गया, डिसिप्लिन और सेल्फ सैक्रिफाइस। सर सैक्रिफाइस के लिए तो नहीं, जैसे आज की डेट में मोदी जी बोलते हैं। नहीं, सेल्फ सैक्रिफाइस ही है जब आप दारू छोड़ दोगे, आप सिगरेट छोड़ दोगे, आप पिकटिंग करोगे शॉप। डिसिप्लिन कह सकते हैं सर, डिसिप्लिन रहने हो। उसमें सेल्फ सैक्रिफाइस अपने आप आ जाता है। डिसिप्लिन जो होगा ना, सैक्रिफाइस अपने आप करेगा वो। अब मैं जैसे मान लो किसी को बोल दूं भाई 6 दिन तक सिगरेट नहीं पिएगा, डिसिप्लिन भी है ये और सैक्रिफाइस भी है, ठीक है ना जी। तो म्यूचुअल आर्बिट्रेशन की बात की गई, अनटचेबिलिटी को छोड़ने की बात की गई, नॉन वायलेंस को ऑब्जर्व करने की बात की गई। तो ये सारे के सारे जो हैं, सारी चीजें हमें नॉन कॉपरेशन है ये। अब आप बताइए क्या ये सारी चीजें स्वदेशी मूवमेंट में थी सारी की सारी? ठीक है, पहली बात लगभग थी सर, लगभग थी मैंने माना। दूसरी बात, जब आप आंसर लिखते हो या पहले आप
पहले समझ लीजिए इसका नाम नॉन कॉपरेशन क्यों है। इसका नाम नॉन कॉपरेशन इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी बोला गया है ना वो आप वॉलेंट्रली फॉलो करोगे तो भी लीगल है वो सब कुछ। इसमें कोई इलीगल चीज नहीं बोली गई। जैसे आपको बोला जाएगा नौकरी जाना बंद करो तो वो इलीगल है। वो गांधी जी ने कोई भी इलीगल चीज नहीं बोली, इसमें सारी चीजें लीगल हैं। भले ही वायलेंस हुआ हो, भले ही कानून तोड़े गए हो, तो कानून तोड़ने की बात नहीं की गई, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं कोमल को बोलता हूं भैया कि आपको 4 लड्डू खाने हैं, तो कोमल कहती है भाई मैं तो 2 ही खाऊंगी, मैं तो सिर्फ 2 ही खाऊंगी, तो वो वॉलेंट्री हो गया, वो नॉन कॉपरेशन हो गया मेरे साथ, ठीक है जी। अब सचिन आता है जी गुड़गांव से, उसको दिल्ली आना है मेट्रो से, वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ा सचिन, सीधा गया वो मेट्रो केबिन में, ड्राइवर जो पायलट होता है मेट्रो का उसको गया, मारा उसका एक थप्पड़ और सचिन बोला मैं बैठूंगा यहाँ, हम जहां बैठते हैं वहीं से मेट्रो चलनी शुरू होती है। तो अगर मान लो सचिन ऐसा कर देगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिविल डिसोबीडियंस। यानी आपने सिविलियन तरीके से, अगर आपने थप्पड़ भी मार दिया तो वो खैर सिविल नहीं रहा, क्रिमिनल केस भी हो जाएगा बाद में, लेकिन अगर आपने कानून तोड़ दिया तो वो हो गया सिविल डिसोबीडियंस। आपने अगर कानून नहीं तोड़ा है तो वो हो गया नॉन कॉपरेशन। तो इसलिए ये मूवमेंट अभी नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस नहीं है। नॉन कॉपरेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। एनआरकी तो आ ही रही है थोड़ी थोड़ी, अगर नेगेटिव भाषा में बोलोगे, पॉजिटिव में बोलोगे तो लोग सत्याग्रह हो रहे हैं, लोग डिसिप्लिन हो रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, तो ये बात है। फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होंगे, वो फेजेस हम कल करते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे फेजेस अभी थोड़ा सा बता भी देता हूँ, खैर मैं फेजेस बता देता हूँ। चलो इसमें 1920 से 1922 जब हम स्टडी करते हैं कि क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि जनवरी से मार्च 1921 तक क्या हुआ। अभी राजीव तेरा वीडियो क्यों ऑफ हो गया, सर फोन गर्म हो गया, फोन गर्म हो गया, कैसे कैसे बहाने हैं यार है? सर चार्ज पे भी लगा रखा था और वीडियो भी ऑन थी तो फोन गर्म हो गया। कैसे पता लगा तेरे को गर्म हो गया, होंदे गर्म टच हो गया ना सर, मत टच कर, तू तू शिक्षा के लिए, तू सिविल सर्विस के लिए फोन नहीं वो कर सकता सैक्रिफाइस। सर घर वाले दे, घर वाले चलाऊंगा क्या फिर। तो भाई हुआ जनवरी से मार्च 1921 तक एक पहला मान लो फेज आया, उसमें बॉयकॉट हुआ स्कूल्स का, उसके बाद जो है आपके कॉलेजेस का, लॉ कोर्ट्स का, तो ये सब वॉलेंट्री है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपके ऊपर जेल में आपको डाल दिया जाएगा। बताओ डाल दिया जाएगा जेल में? नो, हाँ यू कांट बी। हेलो शुभम, हाउ आर यू? गुड सर। तो पॉइंट ये, अब जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, वो बने आपके प्रेसिडेंट बने, वो कहाँ के प्रेसिडेंट, मतलब प्रिंसिपल बने, वो प्रिंसिपल बने आपके, वो किसके, नेशनल कॉलेज कलकत्ता में। यानी कि सिर्फ कलकत्ता कलकत्ता में नहीं, बाकी जगह भी नेशनल कॉलेजेस बनाए गए जगह जगह। हमने एक एग्जांपल दिया, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, यू कैन गेट वन मोर, कोई भी एग्जांपल आ जाएगा, यू शुड नॉट बी सरप्राइज। अरे हुआ होगा, ऑब्वियसली हुआ होगा, बिकॉज देर आर सो मच डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस, बट द बुक्स आर टॉकिंग ओनली अबाउट कपल ऑफ एरियाज, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द पैटर्न। अब जैसे मैंने बोला लॉयर्स का, मैंने आपको नाम बताया था, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, सैफुद्दीन किचलू का नाम हमने यूज किया था उस दिन, सबने प्रैक्टिस छोड़ दी, सोचो। उसके बाद जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, टी प्रकाशम, टी प्रकाशम को हम क्या कहते हैं, आंध्र केसरी, he is from Andhra Pradesh, he was the first chief minister of Andhra। ऐसे ही एक और सज्जन है जिनका नाम आपने शायद सुना होगा, दिल्ली में उनके नाम पे कई रोड भी हैं, आसफ अली,
आसफ अली की वाइफ का नाम क्या था, कौन बताएगा? अरुणा। हाँ, अरुणा आसफ अली, यस। शी पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सारी चीजों से देश का माहौल बदल जाएगा, इसीलिए अप्रैल से जून में आएगा सेकेंड फेज 1921। जैसा मैंने कहा था, तिलक जी वॉज नॉट देयर, सो तिलक स्वराज फंड होगा एक। इस फंड का यूज कहां किया जा रहा है? इस फंड का यूज चरखा है, सैनिटेशन है, अनटचेबिलिटी प्रोग्राम्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। फिर जुलाई के बाद आप मान लो एक थर्ड फेज हम मान लेते हैं 1921 का, उसमें जो है बॉयकॉट होगा, विजिट्स को होगा, थोड़ा सा वायलेंस हो जाएगा धीरे धीरे, चरखा पॉपुलर किया जाएगा, ब्रिटिश के अगर कोई डिग्निटरीज आ रहे हैं तो दे मस्ट बी बॉयकॉटेड, देयर विल बी प्रोटेस्ट, क्लोथ्स वर बर्न्ड, जैसे बर्निंग ऑफ क्लोथ्स वाज देयर पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। बट देन सचिन, वी कैन ऑलवेज से दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्वदेशी 2.0। बहुत अच्छा बोला था आपने, ये स्वदेशी मूवमेंट के जो सारे एलिमेंट हैं बहुत सारे, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में विजिबल है। सर कितना जस्टिफाई होगा इसको कहना कि स्वदेशी 2.0? स्वदेशी 2.0 इज लाइक दिस, दिस इज एनसीएम, इट इज हैविंग द एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एजेंडा एज आई जस्ट डिस्कस्ड, और एक हो गया डिस्ट्रक्टिव एजेंडा। तो कंस्ट्रक्टिव एजेंडा का स्वदेशी पार्ट हो सकता है, इट इज द पार्ट ऑफ द बिगर प्रोसेस। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज इक्वल टू स्वदेशी 2.0, नो, बट स्वदेशी 2.0 एंड एनसीएम, दिस इज राइट, समझा? बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिस बॉयकॉट, the charkha element and all that you can remove, but rest of the ideas were already there. Okay. That is why we are just calling it like that. So third phase aayega, third phase jaisa maine bola, Gandhi ji will also decide in this time period only at Madurai, when someone will ask him ki charkhe se kya sabko kapda milega, nahi milne wala, to Gandhi ji said jab tak sabko kapda nahi milta I will not wear complete clothes. That is how he will start wearing a loin cloth, लंगोट, वो लंगोट पहनने लगेंगे, एंड दैट इज वाई ही विल बी नोन एज हाफ नेकेड फकीर। दैट इज अ नेगेटिव कनोटेशन में बोला था ये, लेकिन दैट्स फाइन, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग। सर विंस्टन चर्चिल था शायद कहने वाला इन्हें 1931। बिल्कुल बिल्कुल। अब जुलाई 1921 में देखो, अब यानी 6 महीने के अंदर अंदर मुस्लिम लीग ने बोला दैट मुस्लिम शुड बी रेडी should be ready to not join army and they must also leave army, that is moving towards civil disobedience. So the British government will request Gandhi ji to stop the Muslim leaders from airing such points, because they were feeling that this is going to benefit the national movement, and that is why Gandhi ji will say, Gandhi ji will obviously not support the government in this, and Muslim League will keep on passing the resolutions again and again, and Gandhi ji will also support this demand that Indians can sever all their relations with the British. So jab aayenge Prince of Wales November 1921 mein, सिचुएशन विल बी मोर रेडिकल, ज्यादा जलाए जाएंगे कपड़े, ज्यादा एजिटेशन होगा, लोग ज्यादा क्लैशेस होंगे, और लॉयल क्लास जो थी ब्रिटिश के साथ और जो नेशनलिस्ट एलिमेंट है उनके बीच में क्लैशेस होंगे। तो ऐसा नहीं है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज कंप्लीटली नॉन वायलेंट, बट देन एक्सप्लिसिट वायलेंस
in a long term is not happening. That is why we call it non-violent. Hartal hongi, strikes hongi, aur Congress Volunteer Corps karke ek body banegi. Aaj ki date mein bhi hai, lekin itna powerful nahi hai wo. Congress Volunteer Corps. ये जो है जगह जगह मैसेज को लेके जाएगी. ओके, गांधी जी को बुलाया जाएगा सितंबर 1920 में. ब्रिटिश बोलेगी कि आओ गांधी जी, बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इक्वल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. ब्रिटिश विल जस्ट से गांधी, ब्रिटिश विल परस्यू, लॉर्ड रीड इज देयर, गवर्नर जनरल इज लॉर्ड रीड. सो रीड मतलब लॉर्ड रीड, आई शुड से रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग इज देयर. सो लॉर्ड रीडिंग विल बी परसुएडिंग गांधी जी कि आप आइए और आके अपने मुस्लिम लीडर्स को कहिए कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स को विड्रॉ कर लें. लेकिन टॉक कुछ हो नहीं पाएगा. इसीलिए दिसंबर 1921 से क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट विल बिकम वेरी रिप्रेसिव. और वो जो है सब जगह क्या करने लगेगी, सब जगह protest meetings and all these things, they will be seen as unlawful. Lathi charge hoga aur arrest hone shuru ho jayengi. So sare prominent leader except Gandhi ji was arrested. Kyunki karan chahiye, jab violent movement nahi hai, Gandhi ji violence ko directly incite nahi kar rahe hain aur non cooperation hi hai, to Gandhi ji ko aap jail mein nahi dal sakte. Nahi dala unhone. ठीक है. और मदन मोहन मालवीय जी के थ्रू भी बात की कांग्रेस से बात करने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ. इसी बीच में जो है चौरी चौरा होगा. और चौरी चौरा जो है इवेंट, जैसे कि मतलब दिसंबर 1921 में जो सेशन होगा कांग्रेस का, जैसे दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर सेशन की हमने बात की थी, तो 1921 में सेशन होगा अहमदाबाद में. और सी आर दास जो उसके प्रेसिडेंट थे वो जेल में थे, ब्रिटिश ने उनको जेल में डाला हुआ था. तो हकीम अजमल खान एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे. और धीरे धीरे जनवरी 1922 में सारी पार्टीज बात करने लग जाएंगी कि आप चलो आगे बढ़ना चाहिए अपोजिशन पार्टीज की तरह, और मिलके हमें अल्टीमेटम देना चाहिए कि अगर ब्रिटिश ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने वाले. तो वाइस रॉय को कोई फर्क ही नहीं पड़ा. गांधी जी ने बोला ठीक है बॉस, अब ध्यान से सुनो कि मैं बारदोली से 5 फरवरी 1922 को मैं सीडीएम चालू करूंगा. उन्होंने ऐसा बोल दिया, 5 फरवरी 1922 से मैं सीडीएम चालू करूंगा. और पीसीसी को बोला कि भैया आप उसकी तैयारी करना शुरू करो. लोग तैयार ही थे. जैसे अगर हम बात करें कहां कहां पे क्या क्या हुआ, अभी हम बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य में क्या क्या हुआ. तो कहीं नो टैक्स मूवमेंट चल रहा है, कहीं नो रेंट मूवमेंट चल रहा है, कहीं फॉरेस्ट सत्याग्रह चल रहा है. तो लेकिन जब ये बात हो रही थी, इतने में 5 फरवरी को ही जब बात हुई थी कि 5 फरवरी से चालू करना है, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हो गया. चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिससे पूरा माहौल, पूरा वातावरण बदल गया. जब एक एंग्री मॉब ने पुलिस स्टेशन पे अटैक करके 22 लोगों को जिंदा जला दिया. इसीलिए गांधी जी ने इमीडिएटली मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया. शॉकिंग फॉर ऑल लीडर्स आल्सो कि भाई ये तो चलता है, इतना बढ़िया मोमेंटम मिला हुआ है, इतनी बढ़िया जा रहे हैं हम, तेरे को क्या कीड़ा है. लेकिन गांधी जी टस से मस नहीं हुए, उन्होंने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया. और उन्होंने 13 फरवरी के आसपास तक ये बोल दिया, मूवमेंट इज ऑफिशियली विड्रॉन. ठीक है जी. अब कितना पार्टिसिपेशन था, क्या लोकल वेरिएशंस थे, चौरी चौरा के बाद डिक्लाइन कैसे हुआ, और 12 या 13 फरवरी जो मैंने आपको डेट बोली, 12 फरवरी मतलब 12 फरवरी या 13 फरवरी दोनों में से एक हम ले सकते हैं, इफ आई कैन रिकॉल करेक्टली 12 या 13 फरवरी है. तो फिर इस डेट से जो है आपको मूवमेंट कंप्लीटली विड्रॉ हो गई, चीजें बदल गई. कल हम इसका एनालिसिस कर लेंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ. जब तक आप एक बार फिर से पढ़िए, लोकल लीडर्स के नाम भी पढ़िए, और कोई अगर डाउट्स हैं तो वो भी अपने रेडी कीजिए. ठीक है जी. हाँ सचिन जी, दीपिका जी, यस सर,
बताइए कोई डाउट है अभी तो? नो सर। सर गांधी जी की इसको विड्रॉ करने के पीछे थिंकिंग क्या रही होगी सर? वो जानते थे अभी तो साला आजादी मिलनी नहीं है, लेकिन अभी से ही चौड़े हो रहे हैं ये तो, अभी से ही जो है जला पला रहे हैं, थोड़े दिनों में तो देश ही जला देंगे पूरा। और फिर सर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी आजादी मिल भी गई, आजादी मिल भी गई तो आजादी को झेलने का वो भी तो होना चाहिए भाई। यस सर। हैं? यस सर। आजादी मिलना इम्पोर्टेंट थोड़ा ना है, आजादी को हैंडल करना इम्पोर्टेंट है, आईएएस बनना इम्पोर्टेंट थोड़ा ना है। आईएएस बनने के पहले ही आपको आईएएस बनने की काबिलियत तो चाहिए, वरना हमारे राजीव जी तो कह रहे थे ट्रेनिंग क्या करेगी साला, पहले ही सब कुछ सीख लेंगे, हम ट्रेनिंग में सीखेंगे। तो गांधी जी वाली बात भी यही थी। गांधी जी के आसपास बहुत सारे लोग जो बोलते थे भाई, अभी जब चार लोग जला रहे हैं थोड़ा, अभी तो गांधी जी को पता था ना अंग्रेज जाने वाले ना कुछ हो रहा है, स्वराज एक साल में मिलने की तुम बात कर रहे हो, एक साल में स्वराज मिल भी गया तो ब्रिटिश से भी बुरा हाल हो जाएगा हिंदुस्तान का, बताओ। यस सर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रह पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर तो वो छोटा सा शब्द है। तो ये सोचना है आपको, आपको ना प्रश्न में से प्रश्न और उत्तर में से उत्तर निकालने। और बताइए मेरे लिए पीछे थिंकिंग भी हो सकती है कि क्योंकि ब्रिटिशर्स को एक रीजन मिल गया था आफ्टर चोरा चोरी इंसिडेंट, बिल्कुल एग्रेसिव हो सकते थे, बिल्कुल एग्रेसिव होना शुरू हो गए थे, वो तो लंका लगा देते सब कुछ अंदर डाल डूल के मार देते, कौन रोक दो भगत सिंह, जब उन्होंने भगत सिंह को नहीं छोड़ा तो आपको लगता है कि बाकी को छोड़ देते? अगर गांधी एक हफ्ते और बिलीव रख लेते लाइफ में तो सबको उठा लेते। और बताइए सर, एक चीज बताइए। बताइए। आंसर राइट करते हैं तो जैसे जिस सोसाइटी में अपन रहते हैं वो सर अपने पे इन्फ्लुएंस होता है उसका, अपनी 100% होता है तो सर उसको मॉडरेट कैसे रखा जाएगी, मतलब आपकी हाँ वही सामने जो सुन रहा है उसको मतलब लगे, क्योंकि सर होता है ये कि जब भी अपन राइट करते हैं या फिर जब भी अपन को डिस्कशन में एंटर होते हैं तो फिर राइट की तरफ जो टिल्ट है आपका शुरू से जो सोसाइटी में रहे हैं वो एक्सप्रेस होता है सर जो अपन डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। कुलदीप जी 200% सच बोल रहे हैं आप। तो सर उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? अब इसका ना एकदम तो कोई मैं सुपरफिशियल आंसर नहीं दे सकता, देना भी नहीं चाहता, लेकिन ये आपने आइडेंटिफाई किया तो पहले आप सोच के मुझे बताना फिर मैं बताता हूँ। पहले आप अपना बताना कि मेरा ये हो सकता है, मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि ये चीज बड़ी ही बड़ी मतलब ओपन एंडेड है जो आपने अभी बोला, लेकिन इसके बिना पेपर नहीं निकलेगा कभी भी, 99% लोगों को नहीं आता ये। और आप अभी जैसे ये हुआ कि जैसे अभी पॉलिटी पढ़ते हैं अपन और फिर जब नेशनल मूवमेंट्स पढ़ते हैं, बजट पढ़ा मैंने, तो पॉलिटिकल क्लास होती है उसको एक तरह से डिमीन करना, मतलब एक विचार आने लगे कि भाई कि कभी सिलेक्शन नहीं होगा आपका, कभी सिलेक्शन नहीं होगा तो सर आप... इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? ये तो कंडीशनिंग हो चुकी है ना, क्योंकि सर जैसे मैंने जिस जहां वर्क किया वहां पे ये होता कि भाई जैसे इनपुट डाला आपने उसका आउटपुट आएगा। हाँ, तो आप इसीलिए कॉर्पोरेट सेक्टर में तो इनपुट आउटपुट है ही, पब्लिक सर्विस इज अ डिफरेंट डोमेन। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वहां इनपुट डाला आउटपुट आएगा, आपको दो जॉब अच्छी मिल रही है आप चार बार चेंज करोगे? हमारे जानने वाले लोग हैं 6 महीने में साल साल भर में IBM, IBM से HCL, HCL से फिर IBM। पब्लिक सर्विस में ऐसा कुछ नहीं होता, वो डोमेन ही नहीं है, वो माइंडसेट ही नहीं है। यहाँ तो C2C, कॉस्ट टू कॉस्ट, क्या है कंपनी इतना पैसा दे रही है मैं करूंगा खत्म, वहां ऐसा नहीं होता। वहां तो बात ही होती है 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। कहाँ पे सर? सरकार में कहाँ पे और किसकी बात हो रही है, तुझे क्या लग रहा था? सर IAS को मिलते सर। IAS को कुछ ना मिलता भाई,
आईए से ज्यादा माल तो इंस्पेक्टर कमाता है, माल कमाना है तो छोटी नौकरी पकड़ो। क्या समझे? आईएएस टेंडर भी तो पास करवाता है। हाँ? टेंडर भी तो करवाता है सर। ये ऐसी बातें हैं जिसे कहते हैं, वही बात है कि हीरोइन जो है रोज एक नए घर में जाती है, एक नए हीरो से मिलती है। असली में तो हीरोइन से पूछ के देखो ना। फिर सर अप्रोच क्या हो सर आंसर राइटिंग की? आपने तो लिखा है, मैं बताता हूँ, बात करता हूँ मैं, ठीक है? ओके। हाँ, ये कोई जागरण थोड़ी ना है यार। हाँ, माता जी को क्या भेंट जाए? चुनरी चढ़ा दो, 2 किलो, 2 किलो नारियल लाए, 2 किलो सेब लाए कैलिफोर्निया वाले। जागरण नहीं है पर जागरूकता तो है सर। हाँ, तो जागरूकता दे रहे हैं भाई, तो जागरूकता दे रहे हैं, बात करता हूँ मैं। लेकिन मैं जो कुलदीप जी ने जो प्रश्न उठाया, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया रिफ्लेक्शन रहता है सर। हाँ? रिफ्लेक्शन रहता है सर, 100% रहता है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है ऊपर उठना। पढ़ना आसान है और पढ़ाई का तो रोल ही बहुत थोड़ा है। एक साल जब कोई प्रिपेयर करता है उसको तो उसको लगता है साला ये तो पहले भी पढ़ रहा था, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, फर्क क्या आया? यही तो गेम है। तो आप पहले करिए फिर हम बात करते हैं। सर, आज के लिए नहीं, आज तो हम वहां पहुंचे हैं। आज के लिए बस आप ये सोचो कि नॉन वही जो आपने उठाया था प्रश्न, वही है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, लिख लीजिए कि रिलीजन शुड बी मिक्स्ड विद, मतलब इन 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 द नेशनल मूवमेंट, इन द नेशनल मूवमेंट ऑल्सो रिलीजन मस्ट हैव बीन कैप्ट कंप्लीटली सेपरेट विद पॉलिटिक्स, इज इट पॉसिबल? यही बात सोच लो बस आप। Was it possible? क्या यह संभव था भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी उसमें धर्म एवं राजनीति को बिल्कुल अलग रखा जा सके? क्या यह संभव था? तो किसके द्वारा और क्यों, बस इतना कर लो। हाँ, क्या कह रहे थे राज कुलदीप, जल्दी बोलो। सर, मेरे हिसाब से पॉसिबल सोल्यूशन इसका यही है कि भाई पॉजिटिविटी और लिखना फैक्ट्स ऐसे आप मत बताओ, कल आप लिखना फिर बोलेंगे, ठीक है? और कुछ आप पूछ रहे थे तो बोलो, और कुछ क्या बोल रहे थे? नहीं सर, कुछ नहीं पूछ रहा था, बाकी इस पे सोचते हैं। आप सोचिए थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, बट देन डेफिनेटली इट मेक्स एन इंपैक्ट। यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, ओनली दैट आई कैन टेल यू कुलदीप, यू आर एग्जैक्टली थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, कीप इट अप and do not get discouraged. Always think in you from your own mind. At the end of the day, success will come from your own mind. Okay, sir. Success will never come by any shortcut. ठीक है? Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you to all of you. Thank you very much. See you tomorrow. Thank you very much. Thank you, Rahul ji, Deepika ji, Rajiv ji, Kuldeep ji, Sachin ji, and Komal ji. Thank you, sir. थैंक यू, एंजॉय। अब खूब खाओ, मजे करो।